सर्वे भवन्तु सुखिनः की भारतीय सोच में शन्नो अस्तु द्वीपदे शन्नो अस्तु चतुष्दे का व्यापक भाव विद्यमान है। बुद्धि, विवेक और चेतना के प्रतीक मनुष्य के अधिकार ही नहीं, हम निरीह जीवों जिनमें दोपाय और चौपाय शामिल हैं, उनकी रक्षा, उनके कल्याण और अधिकारों की भी पर्याप्त चिंता करते हैं। भारत में मानवाधिकार सबसे सर्वथा सुरक्षित है, चाहे हमारी आधी आबादी का हिस्सा मातृशक्ति हो, चाहे दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी अथवा वनवासी, चाहे वंचित और पिछड़े या अल्पसंख्यक समुदाय में आने वाले। 19वीं सदी के दूसरे दशक में ही सत्य, अहिंसा और प्रेम के संदेश वाहक हमारे महात्मा गांधी ने काले गोरे का भेद मिटाने के लिए 7 समंदर पार दक्षिण अफ्रीका से वैश्विक आंदोलन छेड़ दिया था। आज जब समूचे विश्व में धर्म, मजहब और नस्ल के आधार पर भेदभाव ही नहीं, मानवाधिकारों का क्रूर हनन और मनुष्यों का उत्पीड़न और दमन हो रहा है, उस दृष्टि से भारत आज भी विश्व में न्याय और समता के साथ सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के विचार को क्रियान्वित कर दुनिया को अचंभित कर रहा है। विश्व में साम्राज्यवादी विस्तार के लिए कुख्यात चीन अपने सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों का कैसा शोषण, दमन और उत्पीड़न कर रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। विश्व के लिए आतंक का पर्याय बन चुका पाकिस्तान, भारत में मुसलमानों का रोना रोते नहीं थकता, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, जैन और बौद्धों का उत्पीड़न क्या मानवाधिकार का हनन नहीं है? पाकिस्तान में जिस प्रकार छोटी छोटी हिंदू और ईसाई बच्चियों का जबरन यौन प्रताड़ना के साथ इस्लाम में कन्वर्जन किया गया है, वो दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान के बामियान में तालिबान ने जिस प्रकार विशाल बौद्ध प्रतिमाएं ध्वस्त की, क्या वो मानवाधिकार का हनन नहीं था?